बताओ क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ? बनाना है? कौन बनाएगा? अम्मा बनाओ मैगी। नहीं, तुमने फाड़ दिया गुनगुन। कहाँ गई मम्मा? मम्मा अंदर है। ये मसाला इसका बिट्टू, मम्मा को बुलाओ, भी बनाएंगी आके। मसाला रखा रहने तो बेटा, मसाला डालेंगी उसी में। सीटी बज रही है? बजेगी, उसमें कुछ बन रहा है। ए मैनी बनाओ भाई इनकी। बन रही है बिट्टू? बन रही है, देखो मैनी बन रही है तुम्हारी। गुनगुन की मैगी बन रही है और हम अपनी यप्पी बनवाएंगे थोड़ी देर में। हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कल नेटफ्लिक्स पर एक मूवी रिलीज हुई थी, अजीब दास्तान करके, मैंने मूवी देख ली। एक मूवी में चार स्टोरी दिखाई गई हैं अलग अलग। जो पहली स्टोरी में जयदीप अहलावत हैं, तो सीधी सी बात है यार, मूवी को देखने में जो पहली वाली स्टोरी है उसमें थोड़ा सा मजा आएगा। बाकी की स्टोरीज में जो दूसरी स्टोरी है उसमें तुमको हथौड़ा त्यागी मिल जाएगा पाताल लोक वाला, लेकिन यार मुझे मूवी में मजा नहीं आया। पूरी मूवी अपने को कुछ खास नहीं लगी, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स से देख सकते हो। खैर अभी के लिए तो मैं यप्पी बनवाने जा रहा हूँ, अपनी भाभी बनाएंगी, वो अभी मैगी बना रही है, फिर यप्पी बनाएंगी। ले भाभी, बन गई? क्या कर रही हो बेटा? मन्नन तो कर चुकी हो, अभी करी थी, इसको डालो उसमें। चलो तुम्हारी मैनी बन गई, मैनी बन गई, मनचाला बन गई, मैनी मनचाला बन गई। गरम गरम है अभी, गम गम ठंडी हो जाए तब खाना। फूंक मार मार के ठंडी करोगी? फूंक मारो, डूब जाओ अभी थोड़ी देर में, खाना ना जल जाओगी। बैठो यहाँ पे, यहाँ पे बैठो, यहीं पे खाना बैठ के बैठो, अभी तुम्हारा थाल लगाया जाएगा। महंत जी विराजमान है खाने के लिए। बिट्टू ठंडी हो जाने दो, हाँ ठंडी हो जाने दो। कैसे खाई? मजा आया? मना आया कि नहीं आया बताओ। अच्छा डांस कर दो, फिर तुमने लात मारना शुरू कर दिया। क्या खा ले? ये कौन है, ये कौन है बता दो, ये कौन है? लछुआ नहीं, लच्छू, लछिता। कौन है? लछिता। मना रहा है? मनाया। नेक्स्ट डे कहाँ चले, कहाँ चले? क्या है बाहर? अरे हाथ निकालो बिट्टू, दादा खाला, दादा बैठा है। हाँ दादा बैठा है। माऊ कहाँ है बिट्टू? कहाँ है माऊ? कहाँ है बेटा? ये तो नहीं है माऊ, तो फ्लाइंग बीस्ट के यहाँ है। कहानी सुनोगी? सुन लो। आपने आवाज दी, मैं आवाज दी, मैंने कब से चाय मांगी थी? आ रही कहानी? क्या हुआ? दुबाले। दुबाले क्या है? क्या दुबाले क्या है? माऊ दुबाले नहीं है, माऊ फ्लाइंग बीस्ट के यहाँ है बेटा। ट्रैक्टर बैठोगी? बैठोगी? चलने लग जाता है अपने आप बिना बताए। बैठोगी? ये जाओगी ऊपर से? बैठे? अच्छा नहीं बैठा जाता है। बेची, बेची। नहीं नहीं बेची। नहीं बेची। नहीं अच्छा बैठो। जूम आ गए, आ गए, बैठो बैठो। हम तुम बैठो, हम जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। चला लो ट्रैक्टर, चला लो बिट्टू, चलाओ। कैसे चलता है? कैसे चलता है? कैसे?
तेज चलाओ तेज और तेज चलाओ। हाँ गुनगुन गुनगुन चलाओ चलाओ। चाबी नहीं है, चाबी नहीं है, चलाओ चला लो। हाँ ये सब हैं। तेज दबाओ, बंद कर दो, बंद कर दो, चलाओ। बैठो बैठो, बैठे हैं बैठे हैं, तुम चला लो, चलाओ। गुनगुन अभी ट्रैक्टर चला रही है। ये गुन्नु क्या चला रही हो? टक्कर। आओ चलें, टिट्टल जब चाबी आ जाए तब चलाएंगे, आओ चलें, आओ आ जाओ। दादी आवाज दे रहे हैं। ए हाँ तो टाओ बिट्टू, हाँ टाओ, गुदगुदी लग रही है। अम्मा आवाज, अम्मा देखो क्या बता रही है, अम्मा आवाज, अम्मा आवाज दे रही थी, कहाँ गई अम्मा इनकी? इसकी देखो गुदगुदी कर रही, का बड़ा मजा होते, हटाओ दत्तल दत्तल, अभी तो आई हो दत्तल से, अब मारेंगे हम तुमको, अभी नहीं जाना ट्रैक्टर पे, अभी चलेंगे, अभी चलेंगे हम, चलेंगे थोड़ी देर में। हाँ वो जा रहा है, वो जा रहा है, जा रहा है। लीजा लीजा देखो कहाँ है, देख रही है तुम? लीजा ढूंढो जब तक हम जा रहे हैं, उतरो उतरो और लीजा ढूंढो। लो आज फिर इनको मैं निकालनी है। बेटा नहीं, गुनगुन गुनगुन गरम है, गरम है बेटा, छोड़ दो। मैं नहीं खिलाए, अभी मम्मा खिलाएगी। बिट्टू ज्यादा नहीं खाते हैं, अभी निकाल लो थोड़ी है। हाँ अभी बैठेंगे। कल सुबह की शुरुआत हमारी हुई थी यप्पी से और आज हो रही मैगी से। वैसे सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी चल, तो आज के नाश्ते में यही है मैगी और यही अभी हम खा रहे हैं, गुनगुन भी खाएंगी यही बहुत आराम से, वरना लग जाएगा कांटा। मना रहा है, मनाया मम्मी, हम भी खाएं, तुम भी खाओ, तुम कम कम खाओ। अभी 4:28 हुए भाई साहब, आज इतनी हवा चली है, मतलब ये सब देखो कितना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, सब ऊपर से गिरा है, बहुत हवा चली है। आज दोपहर में बिल्कुल भी बाहर निकलने वाला नहीं था, परसों मौसम खराब चल रहा था खूब सारा और आज हवा चल रही है इतनी। कल संडे था यानी कि कल संपूर्ण लॉकडाउन था उत्तर प्रदेश में, मतलब कुछ एक चीजें खुली हुई थी, बाकी बिल्कुल बंद था, सब कुछ बंद था। और आज है मंडे, आज हमारे पड़ोस में ही मार्केट लगी हुई है, धूल अभी बहुत चल रही है, बहुत। तो आज मंडे होने की वजह से हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर मंडे को मार्केट लगती है, तो वहां जाना है और वहां से थोड़ा सामान लेके आना है। बढ़िया बात यह है कि अभी तक COVID-19 गांव में नहीं आया है हमारे। अभी जब इतना धूल चल रही, सोचो दोपहर में क्या हालत रही होगी, बहुत धूल चल रही है आजकल। ये सब यहाँ पर अपने अपने हाथी बेच कर सो रहे हैं यार, जब ज्यादा हवा चलती है ना तब इनका पानी बदलना पड़ता है, क्योंकि धूप भी बहुत होती है, वैसे मिट्टी उट्टी आ जाती है। अभी के लिए तो मैंने इनका पानी बदल दिया है, जिससे कि एक उठ करके इधर आ गया है, अभी भी सो ही रहे हैं सब। तो यहीं से हम अभी बाजार करके वापस जा रहे हैं, थोड़ा सामान ले लिया है। बाजार की बढ़िया बात यही है आजकल के दिनों में कि यहाँ पर भीड़ ना के बराबर होती है, मतलब इतना भीड़ नहीं थी जितना बाकी हमारे पड़ोस में जितनी बाजारें होती वहाँ पर होती है, इसमें सबसे कम भीड़ होती है। अभी बजे हैं शाम के 6:30 और मैं अपने खेत पर ही खड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली आज इस वाले खेत में जो भी गेहूँ है उसकी खुदाई की जानी है, जिस तरह आपने हमारा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा उसी तरह से होगा इसका भी। बाकी यार शाम का जो मौसम होता है ना गाँव में, वो खेतों पर ही इंजॉय करने का मजा आता है, खास तौर से जब सब कुछ खाली हो या जब लाही यानी कि सरसों की बुआई हो चुकी हो और उसमें फूल आ रहा हो, उस टाइम का जब मौसम होता है ना इवनिंग का, काफी जबरदस्त होता है।
वैसे आजकल भी इवनिंग का मौसम बहुत ही जबरदस्त हो जाता है यहाँ पर। हमारे खेत में मशीन लगने से पहले वहाँ सामने खेत है जहाँ पर गेहूं की खंदाई होने जा रही, वहां पर मशीन लगी हुई है, उसके बाद में यहाँ पर लगेगी, मतलब ये वाला अपना खेत है। तो यार काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो अब मैं सीधे आपको घर पर ही मिलूंगा यहाँ का सारा कुछ निपटा के। वैसे पता नहीं मुझे मैं कितनी देर तक यहाँ पर रुकने वाला हूँ। अभी बजे हैं रात के 9:30 और जो भी काम था वो फिनिश हो चुका है। मैं आ चुका हूँ अपने घर पर। ये इसलिए बांध लिया था क्योंकि जब भूसा उड़ रहा था तो उसके साथ में बहुत ही छोटे छोटे कण भी उड़ रहे थे जो कि नाक में घुस रहे थे, जिसकी वजह से खांसी आ सकती थी और आजकल खांसी आना बहुत ही खतरनाक है। आजकल खांसी आना तो ये सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है और यहीं पर लगा हुआ है। इसी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? इसी समय दकियों पर कहानियां सुन रही है और गुनगुन तो अभी सो चुकी है हाथी घोड़े बेच के अपने सारे। कितनी देर हुई इनको सोए? अभी अभी सोई, मतलब हमारे आने तक केवल 10 मिनट पहले ही सोई है ये। अभी मेरा टी शर्ट और लोअर पूरी तरह से गंदा हो चुका है, सब धूल ही धूल जमी है भी ये। ऊपर से नीचे तक जो भी छोटे छोटे कण रहते हैं वो बहुत जमते हैं, बालों में भी हैं, लेकिन बांधा हुआ था ऊपर से इसलिए बहुत कम है, पर हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, सलाम, जय हिंद।